सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दाखिल किया अपना नामांकन। चंपावत सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होने हैं और उससे पहले देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इस दौरान उनके साथ में कैलाश गहतोड़ी दिखाई दे रहे हैं। नामांकन के दौरान पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी की मौजूदगी वहां पर थी। 3 जून को नतीजे सामने आने हैं, नतीजे घोषित हो जाएंगे। 31 मई को वोटिंग होगी और उससे पहले ये पहला पड़ाव है आज, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खटीमा से सुबह 8 बजे के करीब वो निकले, बनबसा टनकपुर होते हुए चंपावत पहुंचे। जगह जगह पर आपने देखा रुक रुक करके कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दिखाई दिए पुष्कर सिंह धामी और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जगह जगह पर 50 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए थे जहां पर सीएम का जोरदार स्वागत भी किया गया और बनबसा में एक जनसभा को, छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई दिए। अब देखिए आज भी चंपावत में उनकी एक बड़ी जनसभा होनी है। नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है। अब इसके बाद एक जनसभा होनी है ये कहा जा रहा है। कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, कुछ कल ही चंपावत पहुंच गए थे, कुछ सीएम धामी के साथ खटीमा से आज पहुंचे। और अब देखिए आज का दिन बहुत अहम है कुल मिलाकर के। नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो भी निकाला। सीएम धामी खटीमा से सड़क मार्ग के जरिए चंपावत में नामांकन स्थल तक पहुंचे। ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। नामांकन से पहले जब रोड शो करके वो आगे बढ़ रहे थे, उनका पूरा काफिला आगे बढ़ रहा था, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही दूसरी तरफ ये तस्वीर है जब नामांकन दाखिल वो कर रहे थे तहसील में, उसी वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और फूल मालाओं से लदे हुए हैं और 100 से 150 गाड़ियों का काफिला सीएम के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बनबसा से टनकपुर और फिर चंपावत, 95 किलोमीटर का ये पूरा सफर, 2.5 घंटे का वक्त लगा चंपावत पहुंचने में। और जब पहुंचे, हालांकि 1:30 बजे का वक्त पहले बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि 1:30 बजे के आसपास नामांकन दाखिल करते हुए दिखाई देंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उससे पहले ही 11:30 बजे के आसपास नामांकन दाखिल कर दिया पुष्कर सिंह धामी ने और उनके साथ में जिन्होंने सीट छोड़ी है सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए। चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। वो पूरे काफिले के दौरान उसी गाड़ी पर मौजूद थे, उसी गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी। और इसके अलावा और भी बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चंपावत में ही आज मौजूद हैं और बड़ी जनसभा जब होगी तो जनसभा से किस तरीके से संबोधित करते हैं चंपावत के लोगों को सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस पर भी लगातार नजर होगी। जीत का दावा वो बार बार कर रहे हैं। जब भी उनसे या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि चुनाव का परिणाम आपको क्या लगता है कि क्या होगा, तो हर कोई यही कह रहा है कि बहुत बड़ी जीत होनी है चंपावत से पुष्कर सिंह धामी की। उस जीत की तरफ ये पहला कदम है। अग्नि परीक्षा पुष्कर सिंह धामी की होनी है 31 मई को। इस परीक्षा को उनको पास करना ही होगा, विधानसभा पहुंचना ही होगा, क्योंकि सीएम बने रहना है तो यहां से चुनाव जीतना बहुत अहम है। अब देखिए सीट छोड़ने की पेशकश सबसे पहले कैलाश गहतोड़ी ने ही की चंपावत सीट से।